हरियाणा में 5 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों ने अपने अपने चुनावी कार्यालय खोलने शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी में रेवाड़ी जिले की बावल विधानसभा में भाजपा से प्रत्याशी डॉक्टर कृष्ण कुमार ने अपना कार्यालय खोला, तो वहीं बावल से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर एमएल रंगा ने बावल के कटला बाजार स्थित धर्मशाला में अपने चुनावी कार्यालय का रिबन काटकर और नारियल फोड़कर शुभारंभ किया। बावल पहुंचने पर उनके समर्थकों ने फूल मालाएं पहनाकर और ढोल बाजे बजाकर उनका जोरदार स्वागत किया। कार्यालय उद्घाटन के पश्चात रंगा ने कटला बाजार स्थित बाबा भैरू मंदिर में धोक लगाई और जीत का आशीर्वाद लिया। इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर रंगा ने एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया और अपने लिए वोट की अपील की। इस मौके पर रंगा के साथ बावल नगर पालिका के चेयरमैन वीरेंद्र महलावत और राजेंद्र सिंह एडवोकेट विशेष रूप से मौजूद रहे। रंगा के चुनाव कार्यालय उद्घाटन अवसर पर पूर्व में चुनाव लड़ने की इच्छुक और टिकट दौड़ में शामिल कांग्रेस नेताओं ने भी अपना समर्थन दिया। कांग्रेस प्रत्याशी रंगा खोल ब्लॉक के कस्बा कुंड और खोरी में भी अपना चुनावी कार्यालय खोलेंगे। रंगा के कार्यालय उद्घाटन अवसर पर आए कांग्रेस नेता एवं हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के पूर्व सदस्य डॉक्टर पवन कुमार धनवाल, रेखा दहिया, साधु सिंह, वेद प्रकाश बावलिया, पूरन हरचंद, पुर राज नारायण जाटव और ईश्वर महलावत सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर उनका हौसला बढ़ाया और भरपूर समर्थन का आशीर्वाद दिया। इस मौके पर डॉक्टर एमएल रंगा के साथ भरत सिंह हरचंदपुर, सुमेर सिंह जैलदार, वीरेंद्र सिंह महलावत, सुभाष छाबड़ी, हेमंत चतुर्वेदी, हरीश मेहंदी रत्ता सहित सैकड़ों की संख्या में अन्य कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी मौजूद रहे। कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर एमएल रंगा ने कहा कि 10 साल पहले कांग्रेस की सरकार में जो कार्य हुए भाजपा अपने 10 सालों में नहीं कर पाई। सरकार में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा और आज हर वर्ग भाजपा से दुखी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की गारंटी घोषणा पत्र गांव-गांव दिए जा रहे हैं, जिसके ऑनलाइन पोर्टल सिस्टम को खत्म करने, घरेलू गैस सिलेंडर के दाम कम करने, पुरानी पेंशन बहाल करने, अग्निवीर योजना को समाप्त करने, महंगाई कम करने, 2.5 लाख खाली पड़े पदों को नियमित रूप से भरने की, खाद्य पदार्थों पर जीएसटी हटवाने के बारे में ग्रामीणों को अवगत कराया और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने का दावा किया। खबरनामा रहना के लिए रेवाड़ी से राजेश शर्मा की रिपोर्ट।